All dear student, again most welcome all of you in medical personnel channel. So all dear student, today हम लोग discuss करेंगे यहाँ पे जो है microbes in human welfare chapter के जो है important MCQ को, जो कि आपके UPSC NET, AIIMS, paramedical, AIIMS, BSc nursing and जो है ABBME paramedical entrance exam के लिए most important questions है. तो यहाँ पे जो first question दिया गया है, चाय की पत्तियों की curing की क्रिया विधि में प्रयुक्त होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है माइकोराइजा, सेकंड है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है विषाणु एंड लास्ट ऑप्शन है कवक. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला. जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं का उपयोग जो हम चाय की पत्तियों की क्यूरिंग की जो प्रोसेस होती है, विधि होती है, उसमें हम इनको यूज करते हैं. अगला प्रश्न पूछा गया है, दूध को दही में परिवर्तित करता है कौन. फर्स्ट ऑप्शन जैंथोमोनास सिट्टी, सेकेंड है बैसिलस मेगाथीरियम, थर्ड ऑप्शन है एसिटोबैक्टर एसिटी एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं. तो एसिटोबैक्टर एसटी जो होता है उससे क्या बनता है, एस्टिक एसिड. उससे हम लोग जो है एस्टिक एसिड क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं. एंड जैंथोमोनास सिट्री जो है इससे क्या होता है, जो सिट्रस कैंकर डिसीज होता है नींबू का, क्या सिट्रस कैंकर जो डिसीज होता है नींबू का, वह जो है रोग होता है. एंड यहाँ पे बोला कि दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, तो दूध को दही में जो है लैक्टोबैसिलस क्लेरिकस या लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के लैक्टिस जो होते हैं इनके द्वारा हम चेंज करते हैं. बट यहाँ ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं. अगला प्रश्न दिया है, इडली बनाने में प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है. फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम, सेकेंड है लिकोनोस्टॉक मिसेंटोरियस, थर्ड ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस क्लोरिकस एंड लास्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस. तो इडली बनाने में जो प्रयुक्त जीवाणु होता है वह क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज के जीवाणु होते हैं. ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा. अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हमने ऊपर दूध को दही में बोला था तो वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. तो यहाँ पे पूछा, एजोला निम्नलिखित में से किसकी मृदा उर्वरता को सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है. फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं की, सेकंड है जौ की, थर्ड ऑप्शन है चावल एंड लास्ट ऑप्शन है मक्का. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, यह जो है राइस के जो राइस जो पैडी फील्ड होता है उसी के जो है उर्वरता को बढ़ाता है. अगला प्रश्न है, कौन सा नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फसलीय पादपों की जड़ों के साथ ढीला सह संयोजन बनाता है. फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम, सेकेंड है बैसिलस पॉलीमिक्सा, थर्ड ऑप्शन है एजोटोबैक्टर एंड लास्ट ऑप्शन है एजो अस्पायरिलम. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, एजो अस्पायरिलम. अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलीय फर्न है जो अति उत्तम जैव उर्वरक है. तो ये या जो ऊपर दो क्वेश्चन थे और या तीसरा क्वेश्चन है, ये तीनों क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑप्शन है एजोला, सेकेंड है मार्सिलिया, थर्ड ऑप्शन है टेरिडियम एंड लास्ट ऑप्शन है साल्विनिया. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला, एजोला. जब कभी पूछा जाए कि जलीय फर्न है तो एजोला ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा. अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है अमोनीफाइंग जीवाणु, सेकेंड है डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रीफाइंग जीवाणु एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं. करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु. अगला प्रश्न है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है. फर्स्ट ऑप्शन है डायलिस्टर, सेकेंड है बैसिलस, थर्ड ऑप्शन है एस्पायरिलम एंड लास्ट ऑप्शन है कोकाई. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, डायलिस्टर. अगला प्रश्न है, फाइकोसाइनिन व फाइकोरिथ्रिन वर्णक किस में पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है यू बैक्टीरिया में, सेकेंड है साइनोबैक्टीरिया में, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफाइसी में एंड लास्ट ऑप्शन है बेसिलियोफाइसी में. तो साइनोबैक्टीरिया को जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल कहा जाता है. पूछा है कि फाइकोसाइनिन व फाइकोरिथ्रिन वर्णक किस में पाए जाते हैं, तो नाइन्थ का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया में. अगला प्रश्न है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग जो बैगन का लघुपड़ रोग होता है वह किसके कारण होता है. फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा द्वारा, सेकेंड है शैवाल द्वारा, थर्ड ऑप्शन है वायरस द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है कवक द्वारा. तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग जो होता है वह माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है. माइकोप्लाज्मा को जो है पादप जगत का जो माइकोप्लाज्मा है इसी के द्वारा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग होता है. इसको क्या है, पादप जगत का
जोकर कहा जाता है, पादप जगत का जोकर, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल में नीले तथा हरे वर्णक का संगठन रहता है, इनमें से नीला वर्णक क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइनोफाइसिन, सेकेंड है क्रोमोप्लाज, थर्ड ऑप्शन है फाइकोसाइनिन एंड लास्ट ऑप्शन है फाइकोइरिथ्रिन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, फाइकोसाइनिन कहलाता है नीला वर्णक। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों को किसमें रखकर संरक्षित रखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च तापमान पर, सेकेंड है निम्न तापमान पर, थर्ड ऑप्शन है प्रसरण दाब पर एंड लास्ट ऑप्शन है ए सभी। करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, ए सभी, उच्च तापमान पर, निम्न तापमान पर एंड प्रसरण दाब पर रखकर हम फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दूध को 65 सेंटीग्रेड तक गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पाश्चुराइजेशन, सेकेंड है किण्वन, थर्ड ऑप्शन है परिरक्षण एंड लास्ट ऑप्शन निर्जमीकरण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इसे पाश्चुराइजेशन पाश्चुरीकरण कहते हैं, जो कि लुईस पाश्चर के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, पुलोरम रोग मुर्गियों में होने वाला एक रोग है, इसका क्या कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम, सेकेंड है माइकोबैक्टीरियम, थर्ड ऑप्शन है हीमोफिलस एंड लास्ट ऑप्शन है साल्मोनेला। तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है, जिसके लिए हम बिडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। कौन सा टेस्ट, बिडाल टेस्ट के लिए उपयोग करते हैं, टाइफाइड रोग की जाँच के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम बिडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से जो है क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, जैसे जो कि आप सभी को भी पता होगा इन्फ्लुएंजा डिसीज। एंड यहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम जो दिया है, इससे जो क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम से जो है खाद्य विषाक्तता क्या होता है, खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग नामक डिसीज होता है। एंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, माइकोबैक्टीरियम। तो जो 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो साल्मोनेला का, साल्मोनेला टाइप ही जैसे एक स्पीसीज, तो साल्मोनेला जो है इसके कई स्पीसीज होते हैं, तो साल्मोनेला जो इसी के द्वारा पुलोरम रोग मुर्गियों में होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है, बैसिलस थुरिंजियंसिस से प्राप्त क्राइफर्स्ट एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निमेटोड, सेकेंड है बॉलवर्म, थर्ड ऑप्शन है मच्छर एंड लास्ट ऑप्शन है मक्खियाँ। करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, मक्खियों के अगेंस्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की पारजीनी स्पीसीज से मानव इंसुलिन का, ह्यूमेलिन का, ह्यूमन इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हो माइकोबैक्टीरियम, सेकेंड है यहाँ पे एसरिकिया लिखा तो एस्चेरिचिया कोलाई रहेगा, थर्ड ऑप्शन है साइक्रोमाइसिस एंड लास्ट ऑप्शन है राइजोबियम। करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, जो ई कोलाई है, इसी का उपयोग जो है हम ह्यूमन इंसुलिन का जो उत्पादन व्यापारिक स्तर पर करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, जो ट्राइकोडर्मा हाइजिनम किस एक के लिए एक उपयोगी सूक्ष्म जीव सिद्ध हो चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है बंजर भूमियों का पुनरुद्धार, सेकेंड है उच्चतर पौधों में जीन स्थानांतरण, थर्ड ऑप्शन है संदूषित मृदाओं का जैवोपचार, लास्ट ऑप्शन में मृदावाही पादप रोग जनकों का जैविकीय नियंत्रण। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम या ट्राइकोडर्मा हाइजिनम का उपयोग जो है मृदावाही पादप रोग जनकों का जैविकीय नियंत्रण में कंट्रोल में हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉस्टॉक, सेकेंड है एजोटोबैक्टर, थर्ड ऑप्शन है राइजोबियम एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है एजोस्पाइरिलम। तो सोयाबीन की फसल में जो वृद्धि के लिए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जीव है वह राइजोबियम है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फसली पादपों में बाह्य डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए के स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिलोइडो गाइकॉन इगोगनीटा, सेकेंड ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, थर्ड ऑप्शन है पेनिसिलियम एक्सपेंसम, लास्ट ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा हाइजिनम। तो 19 का ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का उपयोग फसली पादपों में एक्स्ट्रा डीएनए के ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैव कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है।
फर्स्ट ऑप्शन है बैसिलस थुरिंजियंसिस, सेकंड है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, थर्ड ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा हरजीनम एंड लास्ट ऑप्शन है केंद्रकीय पॉलीहिड्रोसिस विषाणु न्यूक्लियर पॉलीहिड्रोसिस वायरस। 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अगला प्रश्न है समकालीन जीव विज्ञान में बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कीटनाशी के रूप में, सेकेंड डेयरी उत्पाद के उत्पादों के निर्माण हेतु कारक के रूप में, थर्ड ऑप्शन है जल प्रदूषण के सूचक के रूप में एंड लास्ट ऑप्शन है औद्योगिक एंजाइम के स्रोत के रूप में। तो समकालीन जीव विज्ञान में बैसिलस थुरिंजियंसिस शॉर्ट फॉर्म में बीटी बैक्टीरिया कहा जाता है, उसका उपयोग जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न दिया है कुछ जीवों के अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों ए टू डी के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो है स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे कोड करके दिया गया है, तो इसी स्टेट कौन कौन से स्टेटमेंट सही है इसी को हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है नॉ स्टॉक एक तंतु में नीलहरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सेकेंड है मिथेनोजन आर्किबैक्टीरिया है जो दलदली स्थानों पर मिथेन उत्पन्न करते हैं। थर्ड ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है रसायन संश्लेषित स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा बी ए सी। तीनों स्टेटमेंट सही है बट यहाँ पे जो डी वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो है बी वाला स्टेटमेंट भी सही है, डी वाला भी सही है और ए वाला भी सही है बट डी वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ए सी। जो रसायन संश्लेषित स्वपोषी जीवाणु है ये जो है जो सनलाइट होता है इसका उपयोग करके जो है अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। अगला प्रश्न है जब नदी के जल में घरेलू अपशिष्ट मिल जाते हैं तब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ी हुई सूक्ष्म जीवाणुए क्रिया सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लौह को निर्मुक्त करती है। सेकेंड ऑप्शन नदी का जल अभी भी पीने योग्य रहता है क्योंकि अशुद्धता केवल 0.1% के लगभग होती है। थर्ड ऑप्शन है बढ़ी हुई सूक्ष्म जीवाणुए क्रिया घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। लास्ट ऑप्शन है नदी का जल पीने पर छोटे जंतु जैसे चूहे मर जाएंगे। तो जब नदी के जल में घरेलू अपशिष्ट मिल जाते हैं तब जो है बढ़ी हुई सूक्ष्म जीवाणुए क्रिया घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उनका उपयोग सूक्ष्म जीव जीवाणु जो होते हैं उसमें माइक्रोब्स वही करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है मंथन टैंक जैव संयंत्र को डिजाइन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्पाद के शोधन हेतु, सेकेंड है संवर्धन वाहिका में वायवीय दशाएं बनाए रखने हेतु, थर्ड ऑप्शन है उत्पाद के परिरक्षकों के प्रयोग योग हेतु एंड लास्ट ऑप्शन है संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने हेतु। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने हेतु। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसके साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल पर्सनलिटी। जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिकल पर्सनलिटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।